से मिल रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां हीरे तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 नग असली और 250 नग नकली हीरे बरामद किए गए हैं, जहां 15,000 समेत 2 कट्टे और जिंदा कारतूस भी इस दौरान बरामद किए गए। आपको बता दें कि दवाई के कैप्सूल के अंदर भरकर बेचते थे आरोपी हीरे को, जहां बरामद हीरे की कीमत लगभग 55 से 60 लाख बताई जा रही है। इस दौरान कई बड़े सराफा व्यापारियों को ठगने की भी प्लानिंग की गई थी। तो 5 नग असली और 250 नग नकली हीरे बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत बाजार में 15,000 समेत 2 कट्टे भी बरामद किए गए, 55 से 60 हजार की कीमत बताई जा रही है। इनका जो आरोपियों का जो प्लानिंग था वो लगभग 2.5 करोड़ की चपत लगाने का था, जो अलग अलग सुनारों को ये विदाउट एनी सर्टिफिकेशन जो हीरे बेच रहे थे, और अभी जो जब्त मशरूका है वो लगभग 55 से 60 लाख का। मैडम, इसमें मुख्य आरोपी कौन है और ये कहाँ से हीरे लेकर आते थे लोग? इनका जो ट्रांजैक्शन है ये काफ़ी दिनों से चोरी के ही वारदातों में पकड़े गए हैं, और लगातार छूटने के बाद भी ये उसी अपराध में लिप्त रहे हैं, और इन्होंने अपनी एक सुनियोजित गैंग बनाकर हीरे जो हैं वो नागपुर के एक जौहरी से खरीदे हैं। उसका भी हम लोग डिटेल अभी निकलवा रहे हैं। वहाँ तो इनका कहना है कि हमने विधिवत पैसे देके और डायमंड्स खरीदे हैं, उसकी जांच हम लोग इनसे और पूछताछ में बाहर निकल कर आएगा, और इसमें आगे और इनसे पूछताछ की जा रही है। फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता विनोद कनाठे जुड़ गए हैं। विनोद, किस तरह की जानकारी मिल रही, हीरा तस्करी के आरोपी गिरफ्तार? जी रितु जी, मैं बता दूं, ये 21 तारीख का मामला था, जो छिंदवाड़ा निवासी प्रिंस सोनी जो बैतूल हमलापुर के पास में आरोपियों द्वारा इनसे 5 हीरो की लूट और कुछ नगद 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये पूरे आरोपी हमलापुर के निवासी हैं, और जैसे कि बैतूल एसपी शिमला प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे टीम बनकर इनकी सघन जांच पड़ताल की जा रही थी, और जो आज इनको 2 देसी कट्टे सहित 5 असली हीरे और 250 नग नकली हीरो सहित धर दबोचा है पुलिस ने। बिल्कुल विनोद, लेकिन क्या अभी किस तरह की कोई जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है कि अभी और कौन कौन इस पूरे मामले पर संलिप्त है, या व्यापक स्तर पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इन पे पहले भी कई प्रकरण दर्ज है, और ये पहले से ही, ये आरोपी लूट फरोख की वारदात में पहले से ही लिप्त थे। जैसे कि अभी एसपी शिमला जी प्रसाद ने कहा कि प्रेस वार्ता में कि आरोपियों से और भी पूछताछ की है कि इनके और भी तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, और किसी राज्य में ये घटना को किस तरह से अंजाम देते थे, जो अभी जांच का विषय है। अभी पूरा मामला खुलकर स्पष्ट नहीं हो पाया। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया विनोद। तो बड़ी खबर, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बैतूल की जहां हीरा तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 नग असली और 250 नग नकली हीरे बरामद किए गए, जहां 15,000 समेत 2 कट्टे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं, और दवाई के कैप्सूल के अंदर भरकर ये हीरे जब बेचते थे। आपको बता दें कि इस पूरे वारदात को अंजाम तो दिया गया है, लेकिन यहां पर लगातार अभी जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर हीरे कहां से आते थे, इनकी सप्लाई कहां से होती थी, क्योंकि बरामद हीरो की कीमत फिलहाल 55 से 60 लाख की बताई जा रही है।